हाकिम साहब को उनका ज्ञापन भेजा जाएगा और उनसे कहना चाहते हैं कि वो किसी तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी वो संबोधित करेंगे। अपने जिले के अंदर यहाँ पर पुतला दहन और प्रदर्शन किया है, आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये विश्वास जोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के नेतृत्व में, कि हम किसी भी सूरत में जब तक इस दिन को समाप्त नहीं करा लेंगे, जब तक देश का पैसा वापस नहीं करा लेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता कैंप से नहीं हटेगा। इस मत के नाम पर मैं कहना चाहता हूँ, सभी साथियों ने बड़ी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, मैं आप सबका कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और तमाम पुलिस अधिकारियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबने हमें सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जिसका इतना रेट बढ़ गया, 2013 थी उसके अंदर जो कांग्रेस ने इसका रफेल का जो मामला करा था 536 रुपए में तय करे थे 531 विमान, और इन्होंने जो 36 विमान करे हैं वो 1576 रुपए में करे हैं। साथियों एक बात बताओ, आप सब जानते हो क्या ये घोटाला नहीं है? बिल्कुल, इसी तरह हम ये जवाब देना चाहते हैं माननीय भीष्म दीवान जी और माननीय भीष्म सुरजेवाल जी के। रफेल का जवाब दो, रफेल माननीय विष्णु के बाजी साथियों 48 सफाई कर्मचारी भी आए हैं हमारे बीच में, बहुत सारे साथी जो नरेंद्र मोदी के प्रोटेस्ट किया गया है, किस बात को लेके किया गया है? राफेल डील जो अनिल अंबानी को 1,71,000 करोड़ का जो जहाज का खरीद फरोख की गई है, नरेंद्र मोदी ने 15 दिन की कंपनी बनवा करके जो पहले हमारे यहाँ पर पहले जहाज बनाती थी कंपनी उसको ठेका नहीं, अगर सिर्फ 15 दिन की कंपनी को ठेका दे दिया तो उसमें 1,71,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। जो जहाज 526 करोड़ का बनना था इन्होंने 1500 करोड़ के आसपास उस जहाज को इन्होंने बेचा है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा घोटाला आज तक देश में नहीं हुआ है। आज हम उसी कड़ी में जो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन जी सभी जिले में मीटिंग लेकर के धरना प्रदर्शन करा रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमने भी अपने जिले के अंदर प्रदर्शन किया है। हमारे तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर जितने भी सभी इकट्ठे हुए, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, सबने बड़ा जोरदार आप यहाँ पर प्रदर्शन किया है और ये तय किया अजय माकन जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जिस तरह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके नेतृत्व में जब तक इस डील को समाप्त नहीं कर लेंगे और ये पैसा पूरा का पूरा हिंदुस्तान के खजाने में नहीं वापस करा देंगे जब तक कांग्रेस कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला नहीं। मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है, मैं लोकसभा यूपी। सर आज ये प्रदर्शन किया गया है किस विषय में को लेके किया गया है? ये जो आप आपने देखा होगा जो देश के अंदर जो राफेल डील कर नरेंद्र मोदी ने जो डील करी है ये कांग्रेस के जमाने में 526 रुपए का एक हवाई जहाज हम लोगों ने तय किया था, आज उसी हवाई जहाज के 526 की जगह 1,670 करोड़ रुपए की इन्होंने डील करी जो कि 1,100 करोड़ रुपए का घोटाला है। हम जानना चाहते हैं देश की जनता को बताएं नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर कि इतना बड़ा घोटाला किस बड़े लेवल पे ये किया जा रहा है। वो फोर्स के लिए इन्होंने पूरे देश के अंदर आकर मचाया था जो कि सिर्फ 64 करोड़ रुपए का उस टाइम उन्होंने घोटाला बोला था, इस पर सब लोग बरी पाए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 1,71,000 करोड़ का घोटाला है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है और देश के हर कोने कोने तक हम ये बात पहुंचाने का काम।
करेंगे। मैम आज प्रोटेस्ट किया गया, हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? ये एक गुस्सा है, वर्तमान में जो सरकार है मोदी सरकार उसके खिलाफ बहुत ही गुस्सा है, और आज हम लोगों ने रफेल डील के लिए प्रदर्शन किया है हमारे जिलाध्यक्ष जीवन शर्मा जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लड़ाकू विमान 570 करोड़ में हमारी यूपी सरकार ने खरीदा था, वही विमान इन लोगों ने 1670 करोड़ में एक विमान खरीदा है। तो जनता की गाड़ी कमाई को क्यों ये इस तरह से अपने मतलब अपनी पार्टी के लिए यूज कर रहे हैं? हम लोग हिसाब लेने आए हैं आज मोदी सरकार से कि इस तरह की डील आप लोग या तो वापस करो, अदरवाइज हम लोग सड़कों पर रह के इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा हित देश के हित की काम करती है और जनता के हित में काम करती है, और जितने भी अभी तक मोदी जी ने उद्घाटन किए हैं वो सारे कांग्रेस के ही काम किए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया उन्होंने, देश का विभाजन करने का काम मोदी सरकार कर रही है।